कार्यकर्ताओं से भेंट करने शिवपुरी पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। लोकसभा चुनाव को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। भाजपा पार्टी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कार्यकर्ताओं से भेंट करने शिवपुरी पहुंचे, जहां वह कृष्णापुरम कॉलोनी में एकाश गर्ग के निवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें श्रीफल सॉल और माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया गया। जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा शिवपुरी में कराए गए विकास कार्यों के बारे में चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा 400 पार। मैं कल शिवपुरी आया अपने परिजनों से भेंट कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ। आज कृष्णापुरम कॉलोनी में बैठा हुआ हूँ, मेरे सब साथी बैठे हैं, उनसे मिलकर हालचाल जाना और इस शिवपुरी गोला संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी माननीय श्रीमती राज सिंधिया जी हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किए हैं उन संबंध में आपसे चर्चा की आपस में। जी, लोकसभा चुनाव आने वाले सर, किस तरह की भाजपा की तैयारी है, किन किन मुद्दों को लेकर भाजपा इस मैदान में उतरी है? भाजपा 5 साल जनता के बीच रहती है। जी, तैयारी किस प्रकार की है सर? विकास और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारी सरकार का एजेंडा है। राष्ट्र का सम्मान बढ़े, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा तिरंगा शहर में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, विश्व में ही नहीं, चंद्रयान पे फहरा गया है। ये सारी प्रगति हमारे सम्मान और प्रगति हो रही है, उसको जनता पसंद कर रही है। सर, विकास की बात करें तो शिवपुरी की 10 साल से लगातार भाजपा के विधायक भी हुई थे बीजेपी के, तो पर यहाँ पर कोई विकास की बात नहीं की। विकास देखिए, मेडिकल कॉलेज यहाँ खुला के नहीं। जी, जैसे कि रोड की बात करें, शहर में रोड इतनी बदतर हो रही आ रही है। सर, पहले मैं भी यहाँ प्रभारी मंत्री रहा, पहले के अपेक्षा जी शिवपुरी के रोड मेन रोड ही आप देखिएगा स्मार्ट रोड हो गया। तो सर, कितने का पार करने वाली है बीजेपी इस बार लोकसभा में? 400 पार। थैंक यू। राहुल गांधी जी का दौरा था, राहुल गांधी जी बोले थे कि शिवपुरी में हमारा सब पछाड़ देंगे। तो दिल में हसीन सपने देखने से किसी ने रोका है किसी को? खुद देखे। पर ये हसीन सपने जिस दिन चुनाव परिणाम आते हैं 8-9 बजे तक खूब देखते हैं लोग, और जैसे ही 10 से 10:30 के बीच आते हैं वैसे ही वो हसीन सपने देखना बंद हो जाते हैं और उनके सामने LED से हट जाते हैं। क्या लगता है आपको, महाराष्ट्र दोबारा आएंगे? पिछली बार मतलब हार गए, ऐतिहासिक जीत होगी। थैंक यू।